नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते दिन एक दिवसीय दौरे पर महाराष्ट्र पहुंचे। यहां उन्होंने अखिल भारतीय हिंदू गोर, बंजारा और लबाना समुदायों द्वारा आयोजित कुंभ कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान बंजारा महाकुंभ के समापन दिवस पर कुंभ को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर हम जाति और क्षेत्रवाद के भेद को दूर रखने में कामयाब हो सके तो दुनिया की कोई ताकत हमारी प्रगति को रोक नहीं सकती। वहीं यूपी सरकार द्वारा मतांतरण रोकने के लिए बनाए गए कानून का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने मतांतरण को रोकने के लिए इतने कड़े कानून बनाए हैं कि ऐसा प्रयास करने वालों को 10 साल तक की सजा हो सकती है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ धोखेबाज प्रवृत्ति वाले लोग धर्मांतरण कराते हैं, लेकिन हम उनके खिलाफ काम करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ हम उन्हें हराएंगे। भाइयों बहनों, जो लोग धर्मांतरण करवा करके राष्ट्रांतरण की कुत्सित मंशा के साथ घुसपैठ करना चाहते हैं, इनकी इस कुत्सित मंशा को सफल नहीं होने देना है। हमें एकजुट होकर के कार्य करना है, एकता के साथ कार्य करना है, मिलकर के कार्य करना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए कार्य करना है। हम सबको मिलकर के अपनी एकता के माध्यम से सबका साथ, सबके विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के इस मूल मंत्र को अंगीकार करना है और इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। जब हम सब मिलकर के कार्य करेंगे, कोई जाति भेद नहीं, क्षेत्र और भाषा का कोई भेदभाव नहीं, किसी भी प्रकार का कोई अन्य भेदभाव नहीं, वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष अगर कोई कर सकता है, हमारा सनातन धर्म ही कर सकता है। और सनातन धर्म के साथ छेड़छाड़ करने का मतलब मानवता के जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। जो लोग अवैध धर्मांतरण के माध्यम से राष्ट्रांतरण की कुत्सित मंशा के साथ भारत के अंदर कार्य करना चाहते हैं, उनकी मंशा कभी सफल नहीं होने वाली है। बताते चले कि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बंजारा समुदाय के नेता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी मौजूद थे। गौरतलब है कि अखिल भारतीय गोर, बंजारा और लबाना नायकड़ा समाज कुंभ जलगांव जिले के गोदरी गांव में 25 जनवरी से आयोजित किया जा रहा था, जिसका बीते दिन समापन हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोग से आयोजित इस महाकुंभ में 8 राज्यों से आए बंजारा समाज और घुमंतू जातियों के लाखों लोगों ने भाग लिया। कुंभ को सफल बनाने के लिए बंजारा समाज से जुड़े संतों ने 11,500 से भी ज्यादा बंजारा तांडो यानी गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्हें पता चला कि इनमें से 3,000 गांव का ईसाईकरण हो चुका है। इस तरह से हो रहे मतांतरण को ध्यान में रखते हुए बंजारा कुंभ में 2 प्रमुख प्रस्ताव पास किए गए हैं। पहले प्रस्ताव में कहा गया है कि पूज्य बालाजी, जगदम्बा माता और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर बंजारा समाज के हर तांडे पर होंगे और गांव का हर परिवार सुबह शाम इन मंदिरों में होने वाली आरती में जाएगा और अपनी परंपराओं की रक्षा करेगा। दूसरे प्रस्ताव में कहा गया कि आजादी के बाद के 75 सालों में ईसाई आबादी 10 गुना बढ़ी है। इसका कारण धर्मांतरण है, इसलिए विभिन्न राज्यों में जिन भाइयों ने भ्रमित होकर धर्म परिवर्तन कर लिया है, उन सबकी घर वापसी की कोशिशें की जाएंगी। वहीं इसके अलावा महाकुंभ के बाद सीएम योगी ने जलगांव जिले के एक गुरुद्वारे में मत्था भी टेका। गौरतलब है कि इस वक्त देश में धर्मांतरण पर बहस जोरों पर है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि बंजारा महाकुंभ के दौरान सीएम योगी के संबोधन के बाद राजनीतिक हलचल किस तरफ रुक करती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी किसी भी लेटेस्ट अपडेट से आप कहीं चूक ना जाएं।